फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको नींबू की खट्टी मीठी चटनी बनाकर दिखाएंगे। उसके लिए फ्रेंड्स हमने पहाड़ी नींबू लिए हैं इस तरीके से। अब फ्रेंड्स हम इन नींबू को कट करके इसके बीजे को निकाल लेंगे। फ्रेंड्स इस तरीके से हमने सभी बीजों को निकाल लिया है। अब इसे हम जो भी बचे हुए हमारे बीजे निकालने के बाद जो नींबू बचे हुए थे उसको हम एक जार में पीस लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने अच्छे से पेस्ट बना लिया है नींबू का और फ्रेंड्स ये इसका रस भी निकला है। फ्रेंड्स हमने ये मिश्री ली है, इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स आप कांच की बनी या प्लास्टिक का जार भी ले सकते हो। रस में अच्छे से जो हमने पीस कर पेस्ट तैयार किया उसको मिक्स कर देंगे। अगर आपके पास मिश्री ना हो तो आप उसकी जगह शक्कर भी ऐड कर सकते हो। अब जो हमने मिश्री ली थी उसको भी ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स इसमें हमने सारे मिक्स मसाले ले लिए हैं। लाल मिर्च पाउडर और काला वाला सिन्ना वाला नमक लिया है, गरम मसाला और एक काले मिर्च को हमने सेक कर उसका पाउडर तैयार कर लिया है। ये जीरा और मेथी दाने के पेस्ट को हमने अच्छे से पीस लिया है, पाउडर तैयार कर लिया है। इधर हमने सौंफ और अजवाइन को भी सेक कर अच्छे से पीस लिया है। दो चम्मच इसमें हम सौंफ और अजवाइन के पाउडर को ऐड कर देंगे और हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब जितने भी मसालों को हमने तैयार किया है उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। एक चम्मच हींग ऐड करेंगे, एक चम्मच काला नमक और ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो। अगर आपके पास काला नमक ना हो तो आप देसी नमक भी ऐड कर सकते हो, लेकिन काले नमक से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स इस चटनी को आप एक साल के लिए स्टोर करके रख सकते हो। हम इसे 7-8 दिन के लिए धूप दिखाएंगे, करीबन आप 1 हफ्ते के लिए दिखा सकते हो। फ्रेंड्स आप इस पर ढक्कन ना लगाएं। आप जिस भी कांच की बनी या फिर प्लास्टिक के किसी भी जार में अगर यूज़ कर रहे हैं तो आप उसके ऊपर किसी भी क्लोथ से ढककर धूप पर सुखा सकते हैं। फ्रेंड्स हमने थोड़ी मिश्री और ऐड कर दी है। फ्रेंड्स आप चाहे तो इसे तुरंत भी खाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप स्टोर करना चाहते हैं तो उसे आपको 1 हफ्ते के लिए धूप दिखानी होगी और 1 हफ्ते के बाद आप अगर देखेंगे तो आप इसे एयर टाइट किसी भी कंटेनर में भरकर रख सकते हैं। फ्रेंड्स आपको हमारा चटनी का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। केरला से अगर हमारा कोई लोग वीडियो देख रहे हैं तो उनको मेरा नमस्कार। तमिलनाडु के लोगों को मेरा वणक्कम, राजस्थान के लोगों को मेरा खम्मा गणी, मध्य प्रदेश के लोगों को मेरा राम राम सा, US UK, अमेरिका, इंडोनेशिया, इजिप्ट, पाकिस्तान के लोगों को मेरा थैंक यू और जो लोग मेरा वीडियो झारखंड से देख रहे हैं उनको मेरा जोहार।